नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, झारखंड में जो है अपकमिंग वैकेंसी रहने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए। लेक्चरर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, लेखाकार, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब है दोस्तों जिला लेवल के लिए जॉब है दोस्तों, और ये जिला और ब्लॉक लेवल के लिए तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। और ये अगले महीने में जो है आप लोगों का ये कंप्लीट कर लिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए पूरा वीडियो में आप लोग बने रहें दोस्तों, विस्तार में जान लीजिए इस न्यूज़ को दोस्तों। आज ये न्यूज़ है दोस्तों जो पेपर में छपी है दोस्तों, तो उन्हीं को हम लेकर के आए हैं दोस्तों आपको हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि आप लोग भी जाने क्या है। तो वीडियो में आप लोग बने रहें दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, डाइट में नियुक्ति होंगे 288 लेक्चरर। ठीक है, पहले तो हम आपको लेक्चरर का बताते हैं। देखिए राज्य में जो है 24 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में जो है 288 लेक्चरर नियुक्ति होंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जो है इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए झारखंड शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। सभी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट में जो है 12-12 लेक्चरर की नियुक्ति होंगी। इस आधार पर जो है राज्य में 288 लेक्चरर नियुक्ति होंगे। इसके अलावा एक प्राचार्य भी रहेंगे। JCERT के प्रस्ताव पर जो है शिक्षा विभाग की समिति के बाद उसे कैबिनेट में रखा जाएगा, और वहां से मंजूरी के बाद जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जब तक अस्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक जो है स्नातकोत्तर और MEd दोनों में ही जो यहाँ प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को देखिए, PM आवास योजना में जो है 149 लोग होंगे बहाल, जिसमें से देखिए रांची से न्यूज जा रही, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों में जिला और प्रखंड स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के 149 पद जल्द जो है नियुक्ति है, तो नियुक्ति होने के लिए रखा गया, रिक्त है दोस्तों। और ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने इन पदों को जो है जल्द भरने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि 149 पद जो खाली है दोस्तों, मैं उसमें से देखिए 47 जो है प्रखंड समन्वयक यानी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, और 5 जिला समन्वयक, ठीक है, और बाकी जो है लेखाकार तथा कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर जो है नियुक्ति होनी है। ये सभी नियुक्तियां जो है संविदा के आधार पर होगी, इनके जिम्मे योजना के सुचारू के रूप में काम रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये था पूरा न्यूज़ दोस्तों, डिटेल में आप लोगों को बता दिए दोस्तों। बहुत ही जल्द जो है यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी दोस्तों, अगले महीने तक 15 तारीख तक जो है आप लोगों का ये वैकेंसी आने को चांसेस है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।